वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीरियसली स्ट्रेंज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं दुनिया में हो रहे अजीबोगरीब किस्से और कहानियाँ, कुछ ऐसी बातें, अनसुलझे रहस्य जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों, सबसे पहले सीरियसली स्ट्रेंज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए सीरियसली स्ट्रेंज के वीडियोस सबसे पहले सिर्फ देखो पर। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अनसुलझे रहस्यों से भरे भानगढ़ किले का रहस्य। भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है और शायद इससे जुड़े कई अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें लोग जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। इस बात पर कोई शक नहीं है कि यहाँ काफी मात्रा में अलौकिक शक्तियाँ पाई जाती हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। भानगढ़ किले से संबंधित बहुत सी डरावनी कहानियाँ भी हैं। ये किला राजस्थान घूमने आने वाले लोगों का मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है। जिज्ञासु यात्री अक्सर यहाँ इस दुविधा की खोज करने के लिए आते हैं ताकि वे भानगढ़ किले की रहस्य को सुलझा सकें। भानगढ़ किला अपने समृद्ध इतिहास के लिए भी जाना जाता है और ये किला भारत की प्रसिद्ध टूरिज्म जगहों में से एक है। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में भारत के राजस्थान में बनाया गया एक किला है। इसे मानसिंह अकबर के दरबार के नौरत्नों में से एक ने अपने छोटे भाई माधो सिंह के लिए बनवाया था। उसके दादा मैन सिंह और भान सिंह के बाद इसका नाम माधो सिंह रखा गया था। किले की सीमा के बाहर ही 1306 लोगों के 200 घरों का गांव विकसित हो रहा था। ये गांव और किला और उसके आसपास रहने वाले लोग पहले काफी संरक्षित थे। सूर्यास्त के बाद किले में जाना किसी बहादुरी भरे कार्य से कम नहीं था, लेकिन भारतीय पुरातात्विक विभाग के अनुसार सूर्यास्त के बाद इस किले पर जाना जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसीलिए सरकारों ने आदेश दिया है कि यहां सूर्यास्त के बाद जाना वर्जित कर दिया गया है। स्थानीय लोगों के पास भानगढ़ किले से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी बादशाह माधो सिंह की है, जिन्होंने गुरु बालूनाथ के अनुमोदन के बाद ही शहर का निर्माण करवाया था। गुरु बालूनाथ एक तपस्वी थे जो वहां तपस्या करते थे और उस तपस्वी ने इस शर्त पर अनुमोदन दिया था कि बादशाह के महल की परछाई कभी भी उनकी वापसी पर नहीं पड़ेगी। यदि ऐसा होता है तो ये शहर खंडहर में बदल जाएगा। लेकिन जब निर्माण कार्य समाप्त हुआ, तब गुरु की वापसी पर दुर्भाग्य से महल की छाया पड़ गई और संत का कोप भी पूरा हुआ। इसके तुरंत बाद भानगढ़ एक शापित शहर में परिवर्तित हो गया। वहां किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया जा सकता था। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात ये भी है कि आज भी गुरु बालूनाथ की कब्र वहां हमें दिखाई देती है। दोस्तों, आइए जानते हैं भानगढ़ की ये कहानी। इस किले से जुड़ी मुख्यतः दो कहानियां हैं जो असल में काफी डरावनी भी हैं। पहली कहानी के अनुसार साधु बाबा बालकनाथ किले के क्षेत्र में रहता था और कहा जाता है कि उसी के आदेश पर ही यहां किले के आसपास कोई भी घर किले के आकार से बड़ा नहीं बनाया जाता, और यदि अगर किसी ने बनाया तो उसके घर की परछाई साधु के घर पर पड़ी तो परिणाम स्वरूप ये किला और पूरा गांव ध्वस्त हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ था। दूसरी कहानी के अनुसार जादूगर N.K. सिन्हाई, जो काला जादू करना भी जानता था, वो एक दिन भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती के प्रेम में पड़ गया, जो बहुत सुंदर थी, और आसपास के सभी शाही परिवार के लोग अपने बेटों की शादी उससे करवाना चाहते थे। जब राजकुमारी 18 साल की उम्र में कुछ खरीदने अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई और वहां से राजकुमारी ने इत्र खरीदा, जादूगर ने उसे इत्र खरीदते हुए देख लिया था और इसीलिए उसने उस इत्र में प्यार की भावना उत्पन्न करने वाले द्रव भी मिला दिए ताकि राजकुमारी उसके प्रेम में पड़ जाए। जादूगर ने उसे वो द्रव्य इसलिए दिया ताकि राजकुमारी के मन में उसके प्रति प्यार की भावना उत्पन्न हो और वो राजकुमारी से शादी कर सके। लेकिन राजकुमारी ने लंगर से जादूगर को ये सब करते हुए देख लिया था। जब जादूगर ने राजकुमारी को वो द्रव दिया तो राजकुमारी ने उसे आसपास के ही किसी गड्ढे में फेंक दिया। परिणाम स्वरूप बदले की आग में ही जादूगर की मृत्यु हो गई और मरने से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दिया
कि पूरा गांव और किला जल्द ही ध्वस्त हो जाएगा और यहां कोई भी किले के आसपास नहीं रह पाएगा। अंत में भानगढ़ किले पर मुगलों ने भी आक्रमण किया था और पूरे किले को ध्वस्त कर दिया था। उस समय तकरीबन 1000 लोग किले के अंदर रह रहे थे। उस समय राजकुमारी को मिलाकर किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए और कहा जाता है कि आज भी वो किला जादूगर के श्राप से प्रभावित है। लोगों का मानना है कि आज भी इस किले में राजकुमारी और उस जादूगर की आत्मा भटकती रहती है। भूगोल के अनुसार से भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वत श्रृंखला पर सारिका रिजर्व की बॉर्डर पर बना हुआ है। किले के सबसे पास का गाँव गोलाकबास है। ये किला पहाड़ियों के निचले भाग पर ढलानी इलाके में बसा हुआ है और विनाश हुए राजा का महल पहाड़ियों की निचली ढलान पर बना हुआ है, जो भाग तालाब और पेड़ों से घिरा हुआ है। इस तालाब में प्राकृतिक धाराएं बहती हैं। कहा जाता है कि ये तालाब राजा के महल के भीतर था। ये किला दिल्ली से 235 किलोमीटर दूर है और किले का प्रवेश द्वार ऊबड़ खाबड़ सड़क पर 2 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद आता है। ये किला थाना गाजी से 20 मील यानी कि 32 किलोमीटर दूर है। पूरी तरह से तबाह हो चुके किले के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते समय आपको मंदिर, छोटे छोटे महल और हवेलियां देखने को मिलेंगी। इसके साथ किले के और भी दूसरे 4 प्रवेश द्वार हैं, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फुलबारी गेट और दिल्ली गेट। मुख्य द्वार के प्रवेश स्थान पर बहुत से हिंदू भगवान के मंदिर हैं, जैसे कि गणेश मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, हनुमान मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, मंगला देवी मंदिर, केशव राय मंदिर और नवीन मंदिर भी है। इनमें से गोपीनाथ मंदिर 14 फीट ऊंची इमारत पर पीले पत्थरों से बनाया गया है। साथ ही पुजारियों के रहने की हवेली भी मंदिर के विभाग में ही बनी हुई है। इसके बाद प्रवेश द्वार के अंदर जाने के बाद हमें नाचन की हवेली और जौहरी बाजार दिखाई देता है, जिसके पास में गोपीनाथ मंदिर भी बना हुआ है। शाही किला किले के अंत में बना हुआ है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर भगवान हनुमान और श्री महादेव को समर्पित है, क्योंकि इस किले को स्मारकों के आकार में बनाया गया है। इस किले के निर्माण में झिर्री मार्बल्स का उपयोग किया गया है, लेकिन वर्तमान में इसे सफेद पत्थरों से ढका गया है। किले के मुख्य द्वार के बाहर हमें मुस्लिम मकबरा भी दिखाई देता है। जानकारों के अनुसार ये मकबरा राजा के बेटे किंग हरि सिंह के लिए बनवाया गया था। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ भानगढ़ किले के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। आप इस पे विश्वास करें या अंधविश्वास, ये आप पर ही निर्भर करता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखते रहिए सीरियसली स्ट्रेंज यूट्यूब चैनल।